नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ सविता निर्वाण। चलते हैं गाजियाबाद की ओर, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 49वें दिन यूपी बॉर्डर पर किसान आंदोलन जारी। यूपी गेट पर कृषि कानून के विरोध में आज 49वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों की मांग है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे, तब तक वह घर वापस नहीं लौटेंगे। गाजियाबाद से वैभव शर्मा की रिपोर्ट, देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। पुलिस का नया कारनामा महिला की सुरक्षा से अहम है। दिल्ली की मेरा नाम कपिल खाटियान है, मैं शामली से हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ वहाँ भारतीय किसान यूनियन का। अच्छा, किसान प्रदर्शन लगातार चलता आ रहा है, इस समय भी चालू है, कोर्ट भी फैसला दे चुकी है, क्या चाहते हैं बाबा के? नहीं, हमारी तो एक ही मांग है, बिल वापसी, घर वापसी, ये कानून रद्द हो जाए और हम अपने घर चलें। इसमें ना सरकार हारेगी, अगर आज सरकार हमारे से जीत भी गई वो जब भी हारेगी, और किसान जीत गया तो सरकार जीतेगी, ऐसी बात नहीं है। ये अन्नदाता है देश का, जो है देश का नहीं, विश्व में भी जो है यहाँ से अनाज पैदा करके भेजता है। और जब इसकी सरकार नहीं सोचेगी तो ये क्या करेगा, सड़कों पर लड़ाई लड़ रहा लड़ते रहेंगे। अच्छा, मौजूदा स्थिति आप क्या देखते हैं और आगे क्या चाहते हैं? नहीं, मौजूदा स्थिति बहुत ख़राब है, ये एक लड़ाई किसान की नहीं है, ये मजदूर की भी है, छोटे व्यापारी की भी है, मिडिल क्लास की भी है, सर्विसमैन की भी, सबकी है। क्योंकि जो इन्होंने भंडारण क्षमता लिमिट वह ख़त्म करी, वो बहुत गलत है, इससे कालाबाजारी बढ़ेगी, देश में महंगाई बढ़ेगी, और कॉरपोरेट घरानों के हवाले जो हमारे देश का एग्रो बिजनेस है, ये सब उन पर चल जाएगा, और किसान का और सरकार का इसमें कोई दखल नहीं रहने का। ये जो कानून है ये किसान को या देश की जनता को नहीं प्रोटेक्शन दे रहे, यानी उनकी कोई रक्षण। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये कानून है, इस कानून से जो बिल है इससे किसान गुलाम हो जाएगा? नहीं, किसान नहीं, पूरा देश गुलाम हो जाएगा। भाई आप ये बात बताओ, आलू तो आपने भी खरीदा होगा, 50 रुपये किलो खरीदा, अब क्यों वो 5 रुपये किलो हो रहा? कहीं ना कहीं कालाबाजारी हुई, 6 महीने में ही उसकी 10 गुना कीमत बढ़ गई, और आगे आपने भंडारण पर लिमिट खत्म कर दी। सरकार देश की जनता के विषय में क्यों नहीं सोचती? अच्छा, स्टोर्स में रखते हैं जो ये स्टोरेज के लिए, स्टोरेज के लिए उससे क्या फ़ायदा होता है? नहीं, आपने इकट्ठा कर लिया, भाई आपने जो है भंडारण कर लिया, आलू जो है इन्होंने आलू पर करा, आप आलू का उदाहरण ले लो, सारा आलू इकट्ठा कर लिया कॉरपोरेट घरानों ने, और फिर अपने हिसाब से उसे जो है हम तो इसे 200 रुपये किलो देंगे, हाँ वो 50 रुपये किलो देंगे, 50 रुपये किलो खरीदा हमने। अब जहाँ सेब है पिछले 5 साल से 100 रुपये किलो से कम नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वहाँ अडानी अंबानी ने बड़े स्टोर बना लिए अपने जालंधर पंजाब में, हिमाचल का और अपने जो कश्मीर का सेब है सब वहाँ स्टोर हो जा, वो 1 साल तक रोक सकता है। अब किसान तो नहीं रोक सकता अपने पास, पहले खुला बाजार था, खुली व्यवस्था थी, वो कहीं भी बेच सकते। किसान तो लगातार जो है फसल उगाता है, खेती करता है और अनाज उगाता है, सब तरह की फसलें उगाता है, लेकिन बीच बीच में सरकारों के द्वारा या देश में इतनी महंगाई हो जाती है, कभी प्याज महंगी हो जाती है, कभी लहसुन महंगा हो जाता है, तो कभी अनाज महंगा हो जाता है, कभी आलू महंगा हो जाता है, तो ये महंगाई क्यों होती है? जब आप लगातार किसान या आप लोग जो है खेती करते हैं, फसल उगाते हैं, ये किसान को कभी रेट मिला ही नहीं। ये जो है जो बड़े व्यापारी हैं, अब जो है वो पहले तो जो छोटे व्यापारी थे ये कर लेते थोड़ा स्टोरेज, उसमें भी जो है अपने जो है प्लस प्रशासन जाकर उसे खाली करवा देते, कंट्रोल रेट पर जो है देश की जनता को मिल जाता। अब जब कॉरपोरेट घरानों के हवाले कर दिया सब कुछ एग्रो बिजनेस, तो देश की जनता को तो महंगाई झेलनी पड़ेगी। जो दाल आज हमें 100 रुपये किलो है, वो 200 रुपये मिल जाए तो अचंभित ना हुई हो, और होगा ये जैसे गैस सिलेंडर है, पहले 350 में महंगा लगा था, अब 800 भी ले रहे हम, ये क्यों ले रहे, बोल क्यों नहीं रहे, आवाज़ क्यों नहीं उठ रही? क्योंकि अपना आज सब जगह बंदूक का पैर है, कलम पे, प्रेस पे भी, उस पे भी। अब ये मान के चलो बिल जो है जून में पास हुए थे, अब क्यों इनकी कमी का पता लग रहा? उस टाइम क्यों नहीं कहा? उस टाइम भी तो पता लगना चाहिए था इसमें इतनी कमी है बिलों में, एक भी इसमें क्लोज ऐसा नहीं है जिससे किसान को फायदा होता हो। भाई कहते हैं फसल कहीं भी बेच सकते हैं, किसान पहले बेचा था, भाई
आपसे बात की जाए, जैसे कि अब कोरोना काल चल रहा है अभी भी और वैक्सीन की बात चल रही है, 200 रुपए की वैक्सीन पर हेड लगाने की बात चल रही है, और आप इतने लोग यहाँ पर इकट्ठा है, किसान लोग इकट्ठा है, आपने मास्क नहीं लगा रखा है, आपको कोरोना क्यों नहीं हुआ? नहीं नहीं, किसान की बात बताओ, हम नहीं कहते अगर भाई कोरोना है नहीं, पर कोरोना है, बीमारी है, पर आप तो देखो भारत में उसका रिकवरी रेट क्या है, 96 कुछ है, और दवा जो इन्होंने वैक्सीन बनाई उसका 95 बताया कुछ, ये नहीं के आंकड़े हैं, हम नहीं कहते वैक्सीन आई, पर देश को जो है देश की जनता को फ्री मिलनी चाहिए, इतनी बड़ी महामारी आई, आज के टाइम देश की जनता उसे खरीद कर लगवाने में सक्षम नहीं है। जैसे लोगों ने जो है, अजीम प्रेम जी थे और भी थे, और लोगों ने जो है जैसे डोनेट किया था सरकार को इस कोरोना के बचाव के लिए पैसा, वो पैसा कहाँ गया था? कुछ एक बात तो बताओ, जैसे प्रधानमंत्री समझे नहीं, प्रधानमंत्री ने अपना जो है भाई फंड निकाल लिया, अब भाई कोरोना के उसमें यहाँ पर आप दान दो, पूरे देश ने दिया, उसका हिसाब क्या है, वो पैसा है कहाँ भाई, आप बताओ, उसकी ना जांच हो सकती ना कुछ हो सकता, ये सब कानून अपने लिए ही बना हुए हैं। अच्छा, आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी और क्या करेंगे? नहीं नहीं, हमारी तो रणनीति है, अब हम जो है यह लड़ाई अपनी जारी रखेंगे, बिल वापसी नहीं होगे तो हमारी घर वापसी नहीं होगी, जहाँ भी हैं वहीं से लड़ेंगे, जेल में भेज देंगे, यहाँ से उठा के जेल में भेज सके इतना ही तो कर सकें, इससे ज़्यादा कर सके, पर हम लड़ाई बंद नहीं करेंगे, लड़ाई अपनी जारी रहेगी। पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम मांगेराम मलिक, गांव किवाना, डिस्ट्रिक्ट शामली, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष, ये तो मेरा परिचय है। लगातार आप प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, कितने दिन हो गए हैं और क्या अभी भी आपकी? हम जिस दिन से ये आंदोलन चला हुआ है, हमारे भाई हैं कपिल, हमारे यहाँ के शामली के जिला अध्यक्ष जी हैं, इनके सौजन्य में हमने ये सब कुछ यहाँ ये भंडारा और ये सब काम चलाया हुआ है। कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया है, किस तरीके से देखते हैं आप उसे? ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए बड़े माननीय है, हमारे लिए नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए ही माननीय है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए माननीय है सुप्रीम कोर्ट, तो हम सुप्रीम कोर्ट पर तो कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट की बात पर इस उत्तर प्रदेश सरकार और इस केंद्र सरकार पर जरूर टिप्पणी करनी चाहिए। आज से 1.5 वर्ष पहले गन्ना भुगतान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश किया था कि विद इन 2 वीक 2 सप्ताह में 14 दिन के अंदर आप गन्ने का भुगतान करिए, अगर आप 14 दिन में गन्ने का भुगतान नहीं कर पाते तो आप किसान को उसका ब्याज सहित भुगतान करिए। 1.5 साल से सुप्रीम कोर्ट का आदेश इन सरकारों के पास पेंडिंग पड़ा है, उसका कोई इम्प्लीमेंट आज तक नहीं हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट का तो जो मुखालफत करते हैं उनके आदेश की, ये बीजेपी गवर्नमेंट करती है, ये किसान नहीं करता, किसान आज भी सम्मान करता है। सुप्रीम कोर्ट फिलहाल जब अब फैसला देगी तो उस फैसले को किस तरीके से लेता है? ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया, अभी ये जो एक गाड़ी चली हुई थी उसको होल्ड कर दिया, लेकिन होल्ड करने का मतलब ये नहीं है कि भाई उसकी गाड़ी या गाड़ी को उसकी मंजिल से रोक दी, हम इस बात से संतुष्ट इसलिए नहीं है कि वो गाड़ी होल्ड की है, वो मंजिल पर जाने से रोकी नहीं है। अभी रही कमेटी की बात, जो 4 आदमी कमेटी के बनाए, मुझे थोड़ा सा एक ताज्जुब है, हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, इंडिया चीफ जस्टिस, मेरे ख्याल से उनसे विद्वान व्यक्ति जो इस सर्वोच्च पद पर है, तो मैं नहीं मानता कि कोई और उनसे ज्ञानी आदमी होगा, और वे अखबार भी पढ़ते होंगे और इस देश के सिस्टम को भी देखते होंगे। अब आगे क्या चाहते हैं वे? मैं एक बात आपको यहीं, अभी ये बात पूरी नहीं हुई कि चार आदमियों की जो कमेटी बनाई गई, वे ऑलरेडी पहले से ही इस बिल के समर्थक हैं, तो मुझे इस बात पर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया। हो सकता है हम जैसे भाई 1.5 साल से वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ऑर्डर, वो भी सरकार के दबाव में ही नहीं हुआ, इसी तरह हो सके कहीं सरकार का इस तरह का दबाव हो कि आप इन 4 आदमियों को इंक्लूड करिए इस कमेटी में, लेकिन वो कमेटी जो इन्होंने बनाई है वो सरासर गलत है। वो तो एक किस्म की ये कहावत होगी कि भाई दूध हमने निकाल दिया, गर्म हमने कर दिया, अब इसकी सुरक्षा करनी है, अब उसकी सुरक्षा करने के लिए बिल्ली को बैठा दिया। आगे क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं बिल वापसी हो, MSP गारंटी हो, इससे कम पर कोई समझौता नहीं है।